ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति में गोरखपुर में रामकथा का आयोजन किया गया है, जिसे कथावाचक के रूप में देश के जाने माने संत मुरारी बापू 5 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक गोरखपुर में रामकथा सुनाएंगे। शहर के तारामंडल क्षेत्र में चंपा देवी पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन गोरखनाथ मंदिर व रामकथा प्रेम यज्ञ समिति द्वारा किया जा रहा है। रामकथा का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 अक्टूबर को करेंगे। इसी क्रम में चंपा देवी पार्क में चल रही तैयारियों का निरीक्षण करने मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, एडीजी जेएन सिंह, जिलाधिकारी केवीएन पांडियन, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता सहित आला अधिकारी पहुंचे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी केवीएन पांडियन ने कहा, नगर निगम कर रही है तो वहाँ से ये वाटर प्रूफ तो है पूरा 100% सही जगह पहली बार हम तो डीएम साहब फोन किए कितना पानी के बिना भी तो हजारों ट्रैक्टर बालू और डबरा सबसे बड़ा काम इसी वजह में कॉन्फ्रेंस आया था ताकि नीचे दलदल है हमने तो इसको कितने भी करेंगे कैसे ठीक है वुडन का वो पूरा वुडन प्लान बोला सर ने बोला जिसको भी आप छोड़ जाए 1.5 लाख आने पड़े और अभी सिमरिया में हुई तो 5 लाख मारा जो भोजन थे दिल्ली में अभी 18,000 ये भोजन का आप कहिए भोजन ग्रहण करने वाले कौन लोग हैं एनएसएस वाले के लगा रहे हैं बाकी इन लोगों से हमारे ग्रहण करने वाले ग्रहण करने वाला आपका ये सर आपने जनमानस को ये महाराज जी हैं ये मेन हैं उनको उनसे बात करना भी बड़ा मुश्किल है सर है। वो ये डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके करें इन चार दिन इसको हम शोकेस की तरह करेंगे मैंने इधर से आइडिया दिया भगवान ना करे ऐसा कुछ सहायता
ये सबसे बड़े फर्स्ट सिटीजन है महापौर साहब, इनकी तो मारवाड़ी साहब कहे तो यहाँ पर यहाँ यार मुरारी बापू जी का जो कथा का होने वाली है यहाँ करीब 20-25 हज़ार का भीड़ का अपेक्षा कर रहे हैं, उसी के हिसाब से यहाँ जो लेवलिंग कराना इत्यादि सारे करना, ताकि वो बाघ दौड़ मचता है तो उसके कैसे प्रोटेक्शन करना है, सुरक्षा के दृष्टिकोण पे हम सभी लोग आए थे, निरीक्षण किया है यहाँ। फिलहाल सभी चीज़ तो कंट्रोल पे है और व्यवस्था अब तो बढ़ती जा रही है और बेहतर कराएंगे, ये अच्छा एक तरफ एक्सपीरियंस लेके जा सकते हैं।